Morning, all of you. Welcome to Unacademy. Yes. So guys, very good evening to you. Welcome to Unacademy. मैं हूँ आपकी एजुकेटर नेहा एंड एक और सेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ. So guys, in case you are preparing for CSIR-UGC NET exam, आप मुझे Unacademy पर follow कर सकते हैं. All you need to do is one thing. आपको Unacademy learning app जो है वो download करना है. एंड afterwards आपकी खुद की जो भी कैटेगरी है जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा. एंड afterwards आप जो है चीज़ों को देख सकते हैं. सो बेसिकली यस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबडी जो कि अभी लाइव हैं, कैन यू पीपल हियर मी प्रॉपरली? एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज ओके? हाँ जी, रामू, प्रियंका एंड रियाज, आई कैन सी सो मैनी स्टूडेंट्स आर लाइव. आप लोग सभी मुझे सुन सकते हो, देख सकते हो प्रॉपरली? प्रॉपर वॉइस इज कमिंग? ओके, बढ़िया, दैट्स ग्रेट. बस यही पूछना था मुझको. ओके, चलो. अच्छा, तो आप सभी के सभी अच्छे होंगे, आई होप सो. सब बढ़िया चल रहा है, तैयारी एकदम मस्त वाली चल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड. बहुत सारे आगे आने वाले हैं आपके एग्जाम्स, पीएचडी से रिलेवेंट या फिर आपके लाइफ साइंस से रिलेवेंट. सो गाइस, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में भी मेंशन किया था जब मैंने जान में क्लासेस ली थी, कि अभी हम जो है इकोलॉजी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे एंड काफ़ी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. आज एक सेशन है जो कि एक प्रीवियस ईयर का सेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर सेशन है, बट अगेन हर एक क्वेश्चन के साथ हम इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्ट्स को भी देखेंगे. सो इन केस यू पीपल आर वेरी न्यू, आप मुझे नेहा तनेजा नाम से सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर. आफ्टरवर्ड्स यू विल बी रीडायरेक्टेड टू माई प्रोफाइल, जहाँ जो है बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं. इस तरीके से बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं आपको दिखाई देंगे एंड करंटली मोर देन 50 प्लस कोर्सेज आर देयर. एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस का मैं यूज़ कर जो है कोर्सेज को, लेसन्स को तैयार करती हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में फील करते हैं. ओके, सो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बिकॉज केवल CSIR के लिए ही नहीं, लाइफ साइंस के बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए हेल्पफुल होंगे. ओके, एंड साथ में आप अपनी रेटिंग्स, रिव्यूज, क्वेरीज भी पूछ सकते हैं. ओके, चलिए. सो एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं. सो बेसिकली देखिए, जैसा कि आपको टाइटल दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर CSIR NET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे. एंड अभी हमने टारगेट किया हुआ है इकोलॉजी. इकोलॉजी की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हम कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखी तो इसी चैनल पर आप नेहा तनेजा सर्च करोगे. इसी चैनल पर अगर आप नेहा तनेजा सर्च करते हो, यू विल सी कि जितने भी मैं क्लासेस यहाँ पर ले चुकी हूँ, सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो आपके सामने होंगी. ठीक है, आप देख लीजिएगा. मोरओवर, हर एक क्वेश्चन के साथ आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उससे रिलेवेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आप सबको मैं समझाऊं. अगर वो क्वेश्चन सेक्शन सी का क्वेश्चन है तो क्या उसकी अप्रोच होनी चाहिए, आपको क्या सोचना है, करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए क्या मेथडोलॉजी का यूज़ करना है, एंड साथ में ही जहाँ पर भी डायग्राम की ज़रूरत होगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, डेफिनेटली वो मैं ज़रूर करूँगी. तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सेशन ज़रूर है, बट काफ़ी कुछ हम जो है वो सीखने वाले हैं. ओके, चलिए. सो आई कैन सी सो मेनी स्टूडेंट्स आर लाइव. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास. ओके, तो मैंने बेसिकली इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को जो है तीन पार्ट्स में बांटा है. ठीक है, आज पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट टू करेंगे, फिर पार्ट थ्री करेंगे, इसी तरीके से जो है हम आगे चलेंगे. ओके, तो देखिए, क्वेश्चंस ऑब्वियसली आप लोगों के लिए हैं, एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर दूंगी, बट मैं इससे पहले चाहती हूँ कि आप लोग ट्राई करें. फाइन, या मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं एंड बाय हार्ट आई जस्ट वॉन्ट कि ये कुछ मेरे जो एडवाइजेज हैं, ये एक्सपीरियंस मान लो एडवाइस के तौर पर आप ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आप फॉलो करो. ठीक है, जब कभी भी आप प्रैक्टिस सेशन करते हो, क्योंकि आज एक प्रैक्टिस सेशन है, वो बेशक MCQ हो, प्रीवियस ईयर हो, क्विज हो, एनीथिंग, आपको सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना है. ठीक है, पॉजिटिव रहना है, रिलैक्स रहना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी चीज़ें हम पढ़ते समझते हर जगह है बट अप्लाई नहीं करते, बट दीज थिंग्स रियली मेक अ डिफरेंस. अगर आप पहले से ही बहुत नेगेटिविटी के साथ हो, बहुत ज़्यादा नर्वस हो एंड फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हो, तो चीज़ें गलत होंगी.
ठीक है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना. अभी एक घंटे तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम से रिलैक्स होके आराम से जितना आता है वो सारी चीज़ें अप्लाई करके पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों को आंसर करना है. दूसरी चीज़, चलिए अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगी. बट कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी. वेदर इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी और क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, मैं हमेशा ये चाहती हूँ, या फिर सेक्शन ए का हो, आप तसल्ली से करें, क्योंकि पहला हमारा काम है क्वेश्चन को समझना, उसके ऑप्शंस को समझना, फिर उस तक पहुंचना. एक बार आपकी कमांड बनती जाएगी तो फिर चीज़ें सही होती जाएंगी, लेकिन स्टार्टिंग में अगर जल्दबाजी करोगे तो खराब होगी. ठीक है, अभी टाइम है, अपना टाइम प्रॉपरली लो, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग. ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है, एग्जाम अभी दूर है, टाइम है. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, स्पेसिफिकली ये चीज़ मैंने यहाँ इंक्लूड इसलिए की है क्योंकि इकोलॉजी की बात करूंगी मैं. ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है, कॉमन सेंस भी अगर आप यूज करोगे तो चीजें वर्कआउट कर जाएंगी. ऑड वन स्ट्रेटेजी आपको पता है वो बेस्ट रहती है क्वेश्चंस के आंसर को सेलेक्ट करने में. अगर कोई ऑड ऑप्शंस की नॉलेज आपको अच्छे से पता है तो पहले उनको हटा दो, कटाई छटाई कर दो एंड फिर सही ऑप्शन तक आओ. ठीक है, अच्छा यहां तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ऑब्वियसली जितने क्वेश्चंस मैं दूंगी, जितनी प्रैक्टिस करनी है सारी की सारी करनी है. बट एग्जाम के टाइम में आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से चुनना है. कैसे क्वेश्चंस को चुनना है वो मैं पहले काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ. सो आई होप सो इस चीज़ को सभी के सभी फॉलो करेंगे एंड सभी के सभी आंसर करेंगे. आर यू पीपल रेडी फॉर द क्वेश्चंस? जस्ट गिव योर थम्स अप इफ इट इज, इफ यू पीपल आर रेडी. हाँ जी, एंड मोर ओवर वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, क्योंकि अभी सब बच्चे लाइव नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको बाद में भी सुनेंगे, तो एक चीज़ मैं और चाहती हूँ कि आप भी जब रिकॉर्डिंग सुनो या कुछ भी करो बाद में ये वाला जो है देखो सेशन, तो वीडियो मत देखते चले जाना, लाइक पॉज करना एंड सोचना उसका आंसर. ठीक है, उसका आंसर सोचना एंड आफ्टरवर्ड्स फिर देखना अपने आप को एनालाइज करके, अगर आप अभी लाइव नहीं हो बाद में इसको देख रहे हो तो. चलिए, सो आई गेस एवरीबडी इज़ रेडी. नम्रता समाप्ति, ओके, वेरी यूनिक नेम. चलो चलते हैं फिर. 10th यूनिट है आपकी, मॉड्यूल नंबर 10th है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल. बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, लड्डू सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट है, इसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो. चलो जी, ओके, सो हेयर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आप देख सकते हो ये सेक्शन सी का जो है ये क्वेश्चन है. ठीक है, सेक्शन सी का ये क्वेश्चन है. हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा पार्ट इसका इवोल्यूशन को भी टच करता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी हम फाइलोजेनी के बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेवेंट है. बट इकोलॉजी के भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो चलिए एवरीबडी, अ क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. बेसिकली एक फाइलोजेनेटिक ट्री है एमनियोट वर्टिब्रेट्स का, ठीक है, जो कि दिए हुए हैं एंड आपको यहाँ पर ए बी सी डी में क्या आएगा वो आपको बताना है. ज़्यादा पोर्शन में कहूँ तो इवोल्यूशन से रेलेवेंट है, बट अगेन इकोलॉजी से भी रेलेवेंट है ये चीज़, क्योंकि वहाँ पर भी हम ऑर्गेनिजम्स की रिलेशनशिप को, ठीक है, उनके बिहेवियर को, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं. तो अगर वो इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स भी आपके माइंड में है तब भी ये फाइलोजेनेटिक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, एवरी वन ऑफ यू. यस, ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. सो समझ के, कॉमन सेंस के साथ एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, सब प्लीज अपना अपना आंसर देना. कोई जैसे कि नम्रता ने 2 कह दिया या समाप्ति ने 4 कह दिया, इट डजेंट मीन कि इसका आंसर 2 या 4 है, कोई भी गलत हो सकता है. पेपर फाइनली आपको देना है, अपना माइंड यूज करो कि आपकी नॉलेज, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, वही मुझे आंसर चाहिए. Honest answer. Okay. So many students are there, but answers are very less. Okay. Anyone else जो answer देगा इसका? Anyone else? ओके
ओके ग्रेट. सो बेसिकली दो ऑप्शंस मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं. एनीवन एल्स जो ट्राई करना चाहेगा तो प्लीज़ कीजिए. चलिए ठीक है, देखते हैं. देखिए ये आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चों ने 2 और 3 ऑप्शन दिया है. ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस आप लोगों ने दिए हैं. पहले तो सबसे पहले आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, फाइलोजेनी का मतलब सबको पता है. इवोल्यूशन के साथ हम रिलेशन इसका देखते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री फाइलोजेनी से हम ये देखते हैं कि पास्ट में जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो प्रेजेंट में ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या रिलेशनशिप रहा है उनके बीच में विद कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, वो हम देखते हैं. ठीक है, अब इवोल्यूशन की बात अगर हम कर रहे हैं एंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्नेक्स, टर्टल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, चार चीज़ें दी हुई हैं ABCD. आप लोग सबसे ज़्यादा मुझे कॉमन सेंस से बताओ, एवरी वन ऑफ यू, अगर आप इवोल्यूशन का टाइम पीरियड ट्रैक कर रहे हो एंड यहाँ पर एंसेस्ट्रल एमनियोट्स दे रखा है, आपको पता है एमनियोट्स कौन होते हैं? ठीक है, जिनके पास एक एमनियोटिक कैविटी होती है ना, एमनियॉन जिसको बोलते हैं, एमनियॉन लेयर इज देयर, एमनियोटिक कैविटी इज देयर, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसके बारे में बात की जा रही है. आप सब मुझे कॉमन सेंस से बताओ, सभी के सभी, अगर मैं बिल्कुल लास्ट में रखती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं इवोल्यूशन में, एक के बाद एक चीज़ आ रही है, डी में क्या आना चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने 2 और 3 ऑप्शन दिया है सब ने मुझे, सिर्फ इतना मुझे बता दो कि 2 में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, सॉरी ये डी में क्या आना चाहिए, बर्ड्स आना चाहिए या फिर मैमल्स आना चाहिए, एट लास्ट क्या आना चाहिए? एवरी वन ऑफ यू प्लीज़ टेल मी क्या आना चाहिए लास्ट में. बताओ, बर्ड्स एंड मैमल्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, क्या आना चाहिए डी में? क्या कहती है आपकी कॉमन सेंस? अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई की है तो देखो एक चीज़ से सॉल्व हो गई है ना. अब जिन बच्चों ने सेकंड कहा था वो खुद थर्ड इसको कह रहे हैं, मतलब कि एक चीज़ से रेक्टिफाई हो गई. तो देखो सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं अटेम्प्ट करने में. ठीक है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले वो भी सेक्शन सी में, समझ जाओ बहुत अच्छी चीज़ हुई आपके साथ. ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है. दूसरी चीज़ आपने क्या सीखी, अप्रोच टू आंसर. ठीक है, मेथडोलॉजी टू आंसर. कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करते हो ना, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है एंड होता है, दैट इज़ द ट्रुथ. फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ऐसे ही तो पढ़ते हैं, है ना, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं सारी की सारी चीज़ें. सो गाइस, दीपाली नो, थर्ड इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होनी चाहिए थी तो आपको फर्स्ट एंड थर्ड में होनी चाहिए थी. अगर मैं नॉर्मली एज एन लर्नर बोलूँ तो आपको सेकेंड एंड थर्ड के बीच में तो कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए थी, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में होनी चाहिए थी कि यहाँ पर तो मैमल्स आएगा ही आएगा, ए में क्या आना चाहिए, या तो स्नेक आएगा या टर्टल आएगा, एंड सी में क्या आना चाहिए, ये आपको कन्फ्यूजन होनी चाहिए थी. फिर वहाँ आती नॉलेज की बात, फिर वहाँ पर आती नॉलेज की बात. अभी हम इसको पूरा देखेंगे. यहाँ पर करेक्ट आंसर इज टर्टल. ठीक है, बी में करेक्ट आंसर इज बर्ड्स, सी इज स्नेक्स. ठीक है, बर्ड्स के बारे में अभी हम देखेंगे. इससे पहले आप खुद सोचो, जब हम फाइलोजेनी पढ़ते हैं इतना तो सबको पता है कि अगर ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना हुआ है तो इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप क्लोज दिख रहा है आपको. ठीक है, रेदर देन दिस टू दिस, दिस टू दिस, आप देख रहे हो डिस्टेंस फार होता जा रहा है, मतलब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं. आप टर्टल के बारे में सोचो, दिमाग में पिक्चर सोचो, आप क्रोकोडाइल के बारे में सोचो, दोनों की हैबिटेट्स के बारे में सोचो, दोनों की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सोचो, आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा. उससे भी एक ये चीज़ सॉल्व हो रही थी कि यहाँ पर हम स्नेक नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम टर्टल रखेंगे, तब भी आप सोचते, तब भी आपका आंसर थर्ड आना चाहिए था. ठीक है, दूसरी बात जो कि मैं कॉमन सेंस की बात कह रही हूँ, ठीक है, एक थोड़े सा
जो चीज रह जाती है वो ये रह जाती है कि यार यहाँ बी में बर्ड्स कैसे आ गया और सी में स्नेक कैसे आ गया. ये थोड़ा नॉलेज वाली बात है कि अगर आपको पता है रेलेवेंस में तब आप कर दोगे, नहीं तो आपको डिफिकल्टी होगी. ठीक है, दो कॉमन सेंस के हमने जो स्ट्रैटेजी यूज की दोनों से आंसर बिल्कुल क्लियर था, दैट इज थर्ड. अब हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि यार ये बर्ड्स जो हैं यहाँ क्या कर रहे हैं, वाई दे आर ऑन बी एंड सी में स्नेक क्यों आएगा. सी, पहली बात तो आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज द फाइलोजेनिटी ट्री ऑफ एंसेस्ट्रल एमनियोट. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा फाइलोजेनेटिक ट्री दिया हुआ है. यहाँ पर आप बर्ड्स देख सकते हो, उसके बाद जो है आपको स्क्वामेट्स एंड मेंबर्स, ये पूरा का पूरा साइंटिफिक है. ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि दिस इज द सिनेरियो यू योर सेल्फ कैन सी. आप खुद भी ये चीज जो है वो देख सकते हो. फाइन, ओके. अब देखो, एक ये क्वेश्चन आता है या ये एक बात आती है जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए. ठीक है, ये समाप्त, एग्जैक्टली, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि बर्ड्स को जो है हमने यहाँ पर क्यों रख दिया. ठीक है, यहाँ पर क्यों रख दिया, यहाँ इनके साथ ये पूरा का पूरा कैसे कनेक्टेड है, यहाँ क्यों रख दिया, उसकी नॉलेज थोड़ा सा आपको होनी चाहिए. तो देखिए, बर्ड्स को क्या हम रेप्टाइल्स की कैटेगरी में रखेंगे? बिल्कुल यस. सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है बट दैट इज द ट्रुथ. ठीक है, बर्ड्स आर रेप्टाइल्स. बट कैसे, देखिए बायोलॉजिस्ट जो है वो दो टाइप का क्लासिफिकेशन यूज करते हैं. हम लोगों ने पढ़ा ना 11th क्लास में, 12th क्लास में क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है. एक होता है लिनास का सिस्टम पूरा, ठीक है, एंड एक है फाइलोजेनी का सिस्टम. बेसिकली साइंटिस्ट जो थे कैरोलस लिनानियस, ठीक है, इन्होंने 1730 में जो है अपना एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था. उनके अकॉर्डिंग इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को, जीव जंतुओं को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बेसिस पर जो है क्लासिफाई कर दिया कि ये ऐसा दिखता है तो ये इस कैटेगरी में है, ये इसके जैसा दिखता है तो ये इस कैटेगरी में है. क्लासिफिकेशन का एक तरीका तो था बट कुछ मिसिंग भी था. फाइन, सो रिगार्डलेस ऑफ देयर एंसेस्ट्री, मतलब कि उनके पूर्वजों के बारे में स्टडी नहीं करी, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बेसिस पर उनको क्लासिफाई कर दिया, पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम. ठीक है, सो उनके अकॉर्डिंग रेप्टाइल जो है वो एक ऐसा जानवर है या एक ऐसा एनिमल है दैट इज एक्टोथर्मिक. जो एक्टोथर्मिक होगा कोल्ड ब्लडेड होगा एंड उसकी बॉडी पर स्केल्स होंगे. ठीक है, एंड बर्ड्स वुड नॉट बी रेप्टाइल्स अकॉर्डिंग टू हिम. लेकिन उसके बाद, ये देखो यहाँ 1730 की बात हो रही है डियर, यहाँ 1730 की. उसके बाद हम आए 1940s में जहाँ बहुत उन्नति हो चुकी थी और बायोलॉजिस्ट आए, जिनमें से एक बायोलॉजिस्ट थे विली हैनिक. ठीक है, उन्होंने एक और सिस्टम दिया एंड वो बहुत ज्यादा सटीक, सीधा और एक बेटर था सिस्टम था, क्योंकि उसमें फाइलोजेनी की अप्रोच फॉलो की गई. उसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑर्गेनिजम्स का, उनमें उनकी एंसेस्ट्री को भी कंसिडर किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ऑब्वियसली चीज है ना, पूर्वजों को तो देखोगे ना तभी तो क्लासिफिकेशन करोगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो. ठीक है, सो अ रेप्टाइल इज एनी एनिमल डिसेंडेड फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रुप कॉल्ड रेप्टाइल्स. बर्ड्स की बात करोगे, मेमल्स की बात करोगे, दे शेयर सेम एंसेस्टर, समटाइम्स रिफर टू एज रेप्टाइल लाइक एनिमल, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन फॉर पीपल टू टॉक अबाउट मेमल्स एज रेप्टाइल्स, एंड सिचुएशंस जो है वो बर्ड के लिए अलग है. बर्ड्स आर द पार्ट ऑफ ग्रुप डायप्सिडा, ठीक है, जिसमें सारे के सारे लिविंग रेप्टाइल्स आते हैं. तभी हमने इनका एक कनेक्टिव चार्ट देखा. ये देखो पीछे ये कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज फीचर्स एंड एंसेस्ट्री के बेसिस पर आप देखोगे दे आर रिलेटेड. ठीक है, कौन कौन से रेप्टाइल्स के बारे में बात हो रही है, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, सारे के सारे. ठीक है, मोस्टली स्नेक्स एंड लिजर्ड. यूजली व्हाट पीपल मीन व्हेन दे से बर्ड्स आर रेप्टाइल इज दैट, समझ रहे हो, अगर ये बात कही जा रही है कि बर्ड्स जो है रेप्टाइल से ज्यादा करीबी हैं क्योंकि एंसेस्ट्री वो उनसे शेयर कर रहे हैं एंड दैट इज द रियल ट्रुथ. फाइन, दैट दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स देन एनीथिंग एल्स एंड दिस इज द ट्रू इन वे, बट देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स, बर्ड्स आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द रेप्टाइल्स. समझ में आया? यस. Is that clear to you, everybody?
इज दैट क्लियर टू यू? बातें समझ में आई? अब देखो यहाँ पर मेरा एक चीज़ है माननी, जो मैं पर्सनली भी फॉलो करती हूँ, बहुत सारे बच्चे जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमेशा मेरी एक इच्छा रहती है कि अगर मैं आपको 5 मिनट भी पढ़ाऊँ ना या 10 मिनट 15 मिनट पढ़ाऊँ, अगर हम एक क्वेश्चन भी करें तो हम वो इतने अच्छे से करें कि उससे हम काफ़ी कुछ सीखें, क्योंकि वो सीखी हुई चीज़ केवल एक जहाँ पर नहीं है, वो आपकी मल्टीपल जगह पर काम आएगी। इस क्वेश्चन को अगर मैं सम अप करके बताना चाहूँ एंड आप थोड़ा सा एनालाइज करो, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है इवोल्यूशन से भी रिलेटेड था, क्योंकि यहाँ पर फाइलोजेनी की बात हुई थी, ठीक है। फाइलोजेनेटिक्स हम इवोल्यूशन में कंसिडर करते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्रीज पर क्वेश्चन भी आते हैं, फाइलोग्राम क्लैडोग्राम। दूसरी चीज़, अगर इकोलॉजी के भी फैक्ट्स आपको क्लियर हैं, क्योंकि इकोलॉजी में भी हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, कम्युनिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, उससे भी रिलेवेंट है दो जो पहले के कॉमन सेंस मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़, हमेशा एक क्वेश्चन को टारगेट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। अगर आपके बेसिक फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मैंने अभी बर्ड्स वाली बात की कि बी में बर्ड्स क्यों आया, उसके पीछे मैंने आपको रीज़न बताया, वो एक नॉलेज वाला पार्ट है, किसी बच्चे को पता है किसी बच्चे को नहीं पता, स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉमन सेंस आप बहुत आसानी से इस थर्ड ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट यू पीपल टू अप्लाई, ठीक है, मेक इट एज एन हैबिट। अब आप पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से करो, कहीं से भी करो, इसको हैबिट में इंक्लूड करो कि मुझे इस तरीके से क्वेश्चंस को टारगेट करना है। तब आप देखोगे जो चीज़ें आएंगी ना वो बहुत निखर कर आएंगी, सेक्शन सी के क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, एंड यू नो दैट वेरी वेल। एक क्वेश्चन सही होता है वो आपको 4 नंबर देकर जाता है, दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। सो इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? एवरी वन ऑफ यू जस्ट गिव योर थम्स अप इफ इट इज क्लियर। जी ओके ग्रेट, हाँ जी, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3, एंड हियर यू कैन सी द ब्यूटिफुल पिक्चर, टर्टल इज ऑल्सो देयर एंड अ क्रोकोडाइल इज ऑल्सो देयर, क्यूट पिक्चर एक्चुअली इट इज। चलो जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इकोलॉजी का एक बहुत फेमस सा जो है कंसेप्ट पर, एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेक्शन सी। मैं चाहती हूँ आप सभी के सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें एंड बताएं क्या इसका आंसर होगा। यस, एमडी लाइफ साइंसेस टेक, वेरी गुड इवनिंग टू यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बर्थ रेट B1, B2 एंड डेथ रेट D1, D2 ऑफ स्पीशीज 1 and 2 इंडिकेटेड इन द फिगर इज नॉट ट्रू। आप इकोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ते हो या एक डोमेन है एक्चुअली पूरा का पूरा पॉपुलेशन इकोलॉजी, एंड इसको जब हम स्टडी करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कंसिडर करते हैं, डेथ रेट एंड बर्थ रेट एंड कुछ फैक्टर्स। तो उसी के बेसिस पर एक ग्राफिकल क्वेश्चन है एंड यहाँ पर आपको इनकरेक्ट चीज़ को पिक करना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, करेक्ट नहीं, आपको इनकरेक्ट बात जो है वो बतानी है। बताएं सभी लोग सोच समझ कर, बिकॉज अगेन दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये समाप्ति, आई एम वेटिंग, डेफिनेटली आई एम वेटिंग फॉर यू।
Yes, everybody, tell me what is the correct answer, every one of you. I need answer from every one of you. Hanji, what about others? No idea. Okay. Yes, Ramu. Siya ko to koi idea nahi hai. Ramu is saying one. What about Priyanka? Namrata? Khushbu? Kiran is saying one. Okay, Kiran. Anyone else? Nisha, bataiye. Nisha. Okay, great. Anyone else jisko answer dena to please de dijiye. Answer dijiye. At least answer kijiye. Galat ho jayega koi baat nahi. Live practice karne mein particular time ke saath, that is like the best thing. जो आपको CBT को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा दे कि आगे आपका CBT मोड में ही तो पेपर होना है, एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी दिमाग की अगर आप ये चीज फॉलो करोगे तो. ओके, सो गाइस देखिए, क्वेश्चन आपको लोगों को समझ में आ गया होगा. प्योर इकोलॉजी का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इकोलॉजी से बेसिकली. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करते हो, पॉपुलेशन के बढ़ने या घटने की बात करते हो, वहां पर हम दो इंपॉर्टेंट चीज लेते हैं, एक तो बर्थ रेट एंड एक डेथ रेट, बर्थ एंड डेथ का फैक्टर. ठीक है, अब ग्राफिकल क्वेश्चंस को समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के बीच के डिफरेंस को समझो. ठीक है, एक्स एक्सिस में दे रखा है पॉपुलेशन डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब समझते हो, डेंसिटी को हिंदी में हम घनत्व बोलते हैं. एंड वाई का क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट कितना, बर्थ जो जीव जन्म ले रहा है उसका क्या स्पीड है, एंड डेथ हो रही है तो उसकी क्या स्पीड है. अब देखिए, क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसपे आपको दो चीजों का ध्यान रखना था, डेंसिटी इंडिपेंडेंट एंड डेंसिटी डिपेंडेंट, ये दो चीजें क्या है. ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए. सो गाइज, करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ है. फोर्थ इज द राइट आंसर. क्यों वो फोर्थ करेक्ट आंसर है वो मैं अभी आपको बताऊंगी. सी गाइज, अगर आप बात करते हो पॉपुलेशन इकोलॉजी की, किसी जीव जंतु के पॉपुलेशन को बढ़ने की या घटने की, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है. जाहिर सी बात है, इकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स, फूड रिसोर्सेस, स्पेस, कॉम्पिटिशन, काफ़ी सारी चीज़ों पर एक इंडिविजुअल की या पूरी पॉपुलेशन की ग्रोथ निर्भर करती है. अब फैक्टर्स को डिवाइड करने की बात आए, तो जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दो फैक्टर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. पॉपुलेशन इकोलॉजिस्ट कॉमनली डिवाइड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, ऐसे फैक्टर्स जो पॉपुलेशन के साइज को अफेक्ट करते हों, उनकी दो कैटेगरी हैं. एक है अपना डेंसिटी डिपेंडेंट एंड दूसरा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट. हालांकि आधे से ज़्यादा बार ऐसा होता है, मैं आपको काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ, नाम ही अपने आप में बता देता है कि वो क्या है. डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स. डेंसिटी किसकी डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी. डिपेंडेंट निर्भर, फैक्टर इज फैक्टर, वो कुछ भी हो सकता है. तो अगर आप डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स की बात करो, ठीक है, जिस पर डेंसिटी का कोई चक्कर नहीं है, जिसमें जैसे कि वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, दे एग्जर्ट देयर इन्फ्लुएंसेस और देयर इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन साइज रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी. अगर मौसम को बिगड़ना है, अगर अर्थक्वेक को आना है, अगर ड्रॉट सूखे को पड़ना है, अगर फ्लड बाढ़ को आना है, तो वो ये नहीं देखेंगे ये सारे फैक्टर्स कि ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, कितना घनत्व है यहाँ, ना उनको कोई मतलब नहीं है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स. ठीक है, इंडिपेंडेंट. इसी के अपोजिट अगर आप सेकेंड फैक्टर की बात करो, द इफेक्ट्स ऑफ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर इंटेंसीफाई. इंटेंसीफाई का मतलब आप समझते हो, बढ़ जाना एज द पॉपुलेशन साइज
increases. Density अगर increase करती है तो density dependent factors का effect भी उस पर intensify ज़्यादा होता है, उसका मापदंड ज़्यादा होता है. जैसे कि मैं example बताऊँ, some diseases spread faster in population. अगर मैं population की बात कर रही हूँ, एक बड़ी population की, अच्छी खासी density वाली population की बात कर रही हूँ, तो वो वहाँ पर बीमारी जो है जल्दी तेजी से फैलेगी, क्योंकि एक जो है वो दूसरे के साथ relevant है. पूरी dense चीज की हम बात कर रहे हैं, है ना? Whether individuals live in close proximity with one another than in those whose individual live farther apart. अगर हम अकेले अकेले की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे isolated groups की बात कर रहे हैं, कम density की बात कर रहे हैं, उसके comparison में ज़्यादा density वाली में ज़्यादा effect करेगी. अगर आपको इसे समझ नहीं आए, वैसे तो ये बहुत इजी है, बिल्कुल एक बेसिक सी चीज, कंपटीशन फॉर फूड अदर रिसोर्सेज भी राइज अप कर जाएगा, बढ़ जाएगा अगर डेंसिटी पॉपुलेशन की ज्यादा है. ऑब्वियस सी बात है, प्रेडेशन, फूड के लिए लड़ाई, रिसोर्सेज, स्पेस, ये सारी चीजें तो डेंसिटी पर डिपेंडेंट चीजें हैं. यहाँ पर डेंसिटी इंडिपेंडेंट चीजों की बात हो रही है. फाइन, सो देखो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, एंड प्योर अगर आपको नॉलेज थी तभी आप आंसर कर सकते थे, है ना? तो अब देखो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी. अब नॉलेज हमारे पास है, लेकिन हमें इससे कुछ और भी सीखना है. मैं चाहती हूँ हर एक क्वेश्चन से आप सीखो, बेशक हम एक क्वेश्चन करें, दो करें, कितने भी करें, बट आप इतना सीखो कि वो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल हो. अब एक बच्चों को या स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ग्राफिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बट अगेन दोज क्वेश्चंस आर द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी. अगर आपको उनको सॉल्व करने का तरीका पता हो, दैट्स इट. यहाँ पर वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, दोनों में रिलेशनशिप का आपको पता होना चाहिए. अब बेसिक बेसिक ग्राफ की बातें तो हम सब समझते हैं ना, कि अगर चीज़ ऊपर जा रही है तो वो बढ़ रही है, चीज़ नीचे आ रही है तो वो नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है, अगर इस तरीके से है तो वो स्टेग्नेंट हो जा रही है, सेचुरेशन की चीज़ है, ये सारी छोटी छोटी बातें. अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, बर्थ रेट ऑफ स्पीशीज वन आर डेंसिटी इंडिपेंडेंट. स्पीशीज वन यानी कि ये बी वन, स्पीशीज वन के लिए वन वन बोला इसने, ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है. बी वन स्पीशीज का बर्थ रेट इतना है, ये देखो मैंने रेड से मार्क किया है, ठीक है. एंड ये क्या बोल रहा है कि लेट मी टेक द अनदर कलर, यहां पर स्पीशीज टू का बर्थ रेट है, देख रहे हो. तो बर्थ रेट ऑफ स्पीशीज वन आर डेंसिटी इंडिपेंडेंट, ये देखो ज्यादा है. आप यहां से देखोगे बर्थ रेट तो आपको ज्यादा मिलेगा, आप कुछ वैल्यूज डाल के देख लो बेशक, ये देखो ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू सेकेंड वाला. अगर बर्थ रेट ज्यादा है, ज्यादा चीजें आ रही हैं, यानी कि ज्यादा बच्चे आ रहे हैं या फिर ज्यादा ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर क्या फंडा है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट वाला फंडा है. क्योंकि रोज रोज तो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज नहीं होने वाली. आर यू पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रही हूँ, कि बर्थ रेट जो है स्पीशीज वन का वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, इसलिए इतना अच्छा बर्थ रेट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है. ठीक इसका उल्टा आपको थर्ड स्टेटमेंट में दिखाई देगा कि बर्थ रेट ऑफ स्पीशीज टू आर डेंसिटी डिपेंडेंट, तभी तो देखो ये कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बर्थ रेट ऑफ स्पीशीज वन. पहली और तीसरी स्टेटमेंट सबको क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? जस्ट गिव योर थम्स अप इफ इट इज क्लियर. हां जी, क्लियर है, ग्रेट. अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं. मैंने आपको बोला कि आपको सेक्शन सी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिमाग खुला रखना है, एंड छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, हमेशा आपकी मदद करेंगी. सेकेंड स्टेटमेंट में आप देखो क्या लिखा हुआ है, डेथ रेट ऑफ बोथ स्पीशीज आर डेंसिटी डिपेंडेंट, ठीक है. इस तरीके से आपको ये D1 का भी ऊपर ग्राफ मिल रहा है एंड D2 का भी ऊपर की ओर ग्राफ मिल रहा है, ठीक है. एंड फोर्थ में बोला है डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट्स ऑन डेथ रेट्स आर सिमिलर फॉर बोथ द केसेस. अब कॉमन सेंस अगेन अप्लाई करो, अगर दोनों स्पीशीज के लिए यानी कि स्पीशीज वन का डेथ रेट एंड स्पीशीज टू का डेथ रेट अगर सिमिलर होता, एक जैसा होता, तो दोनों में आपको एक ही तरीके से इतना भी डिफरेंस क्यों आता? अगर ये इतना डिफरेंस आ रहा है तो इतना डिफरेंस भी क्यों आता? आर यू पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ये जो इफेक्ट है,
ठीक है, डेंसिटी डिपेंडेंट तो है, दैट इज ट्रू, लेकिन जो इफेक्ट है डेथ रेट पर वो सिमिलर नहीं है. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? दैट्स वाई इट्स करेक्ट आंसर इज 4. हाँ जी, सबको समझ में आया यहां पर हमने क्या बातें की? दैट इज अ ह्यूज मिस्टेक. व्हाट्स योर नेम? ब्ला ब्ला. ओह माय गॉड. ओके, दैट इज अ ह्यूज मिस्टेक डियर. नॉट तो आपको देखना पड़ेगा. पहले तो क्या था, जो है कन्वेंशनल मोड में होता था, तो मैं अपने लर्नर्स को बोलती थी इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि दैट इज़ अ कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, है ना. अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो, ताकि क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ध्यान हो कि हाँ जी मुझसे सही नहीं गलत बात पूछी गई है. लेकिन अब क्या है, अब CBT मोड हो गया, तो आपको अपने विजुअल मेमोरी, विजुअल स्किल्स, नॉट मेमोरी, मेमोरी भी एंड स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, नहीं तो 4 नंबर सीधे सीधे चले जाएंगे. इज दैट डन एवरीबडी? ग्रेट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ओके, अगेन अ स्ट्रेट क्वेश्चन, एंड आई गेस इसको तो सभी के सभी आंसर कर सकते हैं, सभी के सभी आंसर कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन इकोसिस्टम आर गिवन बिलो. हम देख रहे हैं कि इकोलॉजी का, इकोलॉजी एक्चुअली क्यों स्कोरिंग है, क्योंकि उसमें कुछ काफ़ी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक टॉपिक है ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का. एंड यहाँ पर जो है कन्वर्जेंस दिखाया हुआ है, 4 रिएक्शंस दिखाई हुई हैं. सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म एसोसिएट है इन केमिकल रिएक्शंस के साथ. नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, अमोनियम आयन है. ये सारे स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन. एंड ये क्वेश्चन मल्टीपल जगह जो है आता है. देखो, एक तो आपका इकोलॉजी में आ गया, दैट इज अगेन द ब्यूटी, एक बार आपने पढ़ लिया हर जगह सॉल्व हो रहा है वो चीज़, ठीक है. एक तो आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इकोलॉजी में पूछा ही गया है, दूसरा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी आता है, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में भी आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं वहां पर भी आता है, तो 2-3 जगह से कनेक्टेड है ये क्वेश्चन. बताओ जरा व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीवन ऑफ यू. हाँ जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज एंड मेमोरी. हाँ जी, समाप्ति, नम्रता, किरण, राहुल, दीपाली, ब्ला ब्ला, सिया, किरण एंड नम्रता, एवरीबडी, रामू, क्या आंसर है इसका बता दो जरा. टेक योर टाइम, सेक्शन सी का क्वेश्चन है, टेक योर टाइम. ओके, मल्टीपल आंसर्स आर कमिंग. 1, 2, 3, 4 सारे ऑप्शंस आ गए. अरे वाह, एनीवन एल्स जो आंसर देना चाहे? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ओके, चलिए, एनीवन एल्स? ग्रेट, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड देखिए, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस हैं जहाँ पर एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके पीछे स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं जो कि ये काम करते हैं, ठीक है. फॉर दिस नाइट्रोबैक्टर इज देयर, फॉर बी नोस्टॉक इज देयर, फॉर सी नाइट्रोसोमानास इज देयर, एंड फॉर डी सुडोमोनास इज देयर. ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ तो सेक्शन सी की बात है, बी में भी बहुत बार आया हुआ है, इंडिविजुअली उठकर आ जाते हैं, ठीक है. सो मेक श्योर याद रखें.
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हम ये चीज़ें पढ़ते हैं. दैट इज़ अ वेरी कॉमन एंड अ रेट्रो टॉपिक जिस पर क्वेश्चन आते रहते हैं. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की ज़रूरत है सो दैट प्लांट उनको यूटिलाइज कर सके. एंड वी नो दैट नाइट्रोजन जो है मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स का एक मेजर कॉम्पोनेंट है, एक पार्ट है. फाइन. तो इसमें मदद करते हैं कौन? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ठीक है, लेगुमिनस प्लांट में भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. उसमें हम देखते हैं वेरियस कन्वर्जन्स आर अकरिंग, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यूज होती हैं. एंड फाइनली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है. यस, सो दैट इज द थिंग. मोर ओवर एक छोटी सी बात आपको कही गई है क्वेश्चन में न्यूट्रिएंट साइकिल की. ठीक है, सो अगेन वी नो दैट अगर बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ काम कर रहे हैं, एंड वी नो दैट एक्चुअली अगर आप एबायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हो, वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मिलकर काम कर रहे हैं. एंड इस तरीके से रेनफॉल इज देयर, लिटरिंग, चीज़ों का टूटना, डीकम्पोज होना, सरफेस सॉइल का इरोड होना, ठीक है, लीचिंग का प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, सारी की सारी चीज़ें जो है, सॉइल का कंट्रीब्यूशन होना, वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हम पढ़ते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. ठीक है, बायोमास में दे आर गिविंग देयर वेरी सिग्निफिकेंट रोल. इसके लिए सारी की सारी एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है जिसमें चीज़ें जो है बनती बिगड़ती हैं, पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है. So it's a very easy topic and again multiple जगह पर target कर रहा है. तो इस question के साथ हमने क्या सीखा? हर एक question के साथ हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. ठीक है, इस question के साथ हमने क्या सीखा? इस question के साथ हमने ये सीखा कि अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल fact चीज़ है, like उसमें आपको logic नहीं लगाना, उसमें आपको सिर्फ अपनी memory पर काम करना है, उसको बढ़ावा देना है, उसको चीज़ों को improve करना है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं. दूसरी बात, वो रिपीटेटिव मैनर में बहुत जगह यूटिलाइज हो रही है. ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल टॉपिक्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिकॉज दे आर डैमेजी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. ठीक, इसी तरीके से कंजर्वेशन इकोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं, है ना, नेशनल पार्क कहाँ पर है, वहाँ पर कौन सा की प्रोटेक्टेड एनिमल है, बायोम कौन सा है, इस तरीके के कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ याद करने वाले हैं एंड वो हमेशा आते हैं, तो वो आपको बिल्कुल किसी हालत में नहीं छोड़ने. चलो जी, ग्रेट जिन्होंने भी सही आंसर दिया. एक और क्वेश्चन पर चलते हैं. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी, वंस अगेन फ्रॉम इकोलॉजी. अब ये जो क्वेश्चन है ये है आपका कम्युनिटी इकोलॉजी में से. ठीक है, इकोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं एंड बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस आते रहते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कम्युनिटी इकोलॉजी एंड आई होप सो आप सभी के सभी इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज अगेन इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीखेंगे. सो जस्ट टेक योर टाइम एवरीबडी, यू कैन यूज योर पेन, पेंसिल, पेपर, वॉट एवर, जो भी आपको यूज करना है, बट आई वॉन्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. गो फॉर इट एवरीवन. You can take the help of a pen and a copy to solve this question. Okay, answers are coming. बाकी बच्चे बताएं. Okay, Aditi, Samapti, Dipali ने अपना आंसर दिया है.
बाकी बच्चे भी दें प्लीज. यस ओके रामू सिंह टू. एनी वन एल्स जिसका आंसर देगा, एनी वन एल्स, दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन. एंड सबसे अच्छी बात यह कि इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखोगे, जो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना, जो कि आगे भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे. ओके एनी वन एल्स, चलिए ठीक है. पहले तो देखो, मैंने आपको बोला ये कम्युनिटी इकोलॉजी में से क्वेश्चन है. एक टेबल आपको दी हुई है जहाँ पर प्रेजेंस वाली चीज़ को वन से शो किया है एंड एब्सेंस वाली चीज़ को प्लस से शो किया है एंड एब्सेंस वाली चीज़ को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है. पांच स्पीशीज़ हैं, पांच प्रजातियाँ हैं. ये देखो पांच प्रजातियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जो कि तीन कम्युनिटी में रहती हैं. ठीक है, कम्युनिटी का मतलब आपको पता है, अलग अलग स्पीशीज़ वहाँ पर प्रेजेंट हो सकती हैं. आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये डेटा देखना है एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू पेयर्स ऑफ कम्युनिटी. अब देखो दो पेयर वैसे तो उसने खुद ही बना कर देते हैं आपको. अगर मेरे पास तीन चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी है, ठीक है, मुझे इसके पेयर बनाने में कैसे बनाऊंगी, ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, तीन चीज़ें बनेंगी. ठीक है, अब आपको सिमिलैरिटीज फाइंड करनी है कि अगर मेरे पास तीन कम्युनिटी हैं अलग अलग, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा समानता, सिमिलैरिटी, एक जैसी चीज़ें कहाँ हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए एंड बी को देखती हूँ. इसको आप मत ध्यान दो, अब इस पर आप ध्यान ही मत दो. ठीक है, ए एंड बी स्पीशीज वन, यहाँ पर पाँच हैं. ठीक है, अब मैं नंबर देती जाऊँगी, देखना बहुत ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन. ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी. ठीक है, सिमिलैरिटी के बेसिस पर मुझे नंबर देने हैं एंड मेरे पास पांच स्पीशीज हैं. ए एंड बी को देखती हूँ तो पहली स्पीशीज ए में भी है, बी में भी है. चलो जी, सिमिलर बात हो गई, एक बात तो सिमिलर हो गई. दूसरी स्पीशीज भी ए में है, बी में भी है, बी में भी है, बी कम्युनिटी में भी है, दूसरी बात भी सेम हो गई. तीसरी प्रजाति जो है वो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो ये बात भी तो सिमिलर हो गई, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तीन बातें सेम हो गई. फोर्थ स्पीशीज ए में तो है लेकिन बी में नहीं है. फिफ्थ स्पीशीज ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है. चार ऐसी बातें थी, ऊपर मेरे छुप रहा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए एंड बी अगेन. चार ऐसी बातें थी जो मुझे इन दोनों में सेम मिली, पांच में से चार नंबर ए एंड बी अपने साथ ले गई. ठीक है, अब मैं इसी तरीके से देखती हूँ किसमें, इस तरीके से मैं देखती हूँ बी एंड सी में. ठीक है, बी एंड सी में देखती हूँ. स्पीशीज वन बी में भी प्रेजेंट है, सी में भी प्रेजेंट है. गुड, बहुत अच्छी बात है, एक चीज सिमिलर हो गई. सेकेंड स्पीशीज बी में तो है, सी में नहीं है. थर्ड स्पीशीज बी में नहीं है, सी में है. फोर्थ स्पीशीज बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, दो बातें सेम हो गई. फिफ्थ स्पीशीज बी में भी नहीं है एंड सी में प्रेजेंट है, यानी कि दो नंबर इसको मिलते हैं. बी एंड सी को अगर आप देखोगे तो पांच में से इसको दो नंबर मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी. हालांकि ये क्वेश्चन आपका यही सॉल्व हो जाना था, आपको आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं थी कि ए एंड बी सबसे ग्रेटर है, उसके बाद बी एंड सी है. फिर भी हम ए एंड सी को देख लेते हैं, ए एंड सी को दोबारा से हम देख लेते हैं. ठीक है, ये देखो, ए को देखोगे एंड सी को देखोगे एंड सिमिलर चीज़ें देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है पहली स्पीशीज सिमिलर है. ठीक है, एक नंबर. बाकी सेकेंड ए में तो है, सी में नहीं है. थर्ड अगेन डिफरेंट हो गए. फोर्थ अगेन डिफरेंट हो गए. फिफ्थ अगेन डिफरेंट हो गए. तो ए एंड सी में कितनी सिमिलैरिटी आई, पांच में से केवल एक पर. मैंने आपको ये चीज़ ऐसे करके क्यों बताई है पता है, उसके पीछे एक रीज़न है, ताकि आप डेटा को यूज़ करना सीखो. वैसे तो चुटकियों में ये क्वेश्चन हो जाना था, स्टूडेंट्स ने बहुत सही से आंसर दे दिया,
बहुत जल्दी आंसर दे दिया, छुट्टियों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, बट अगर हम नए हैं और ये चीज़ हमने पहली बार सीखी है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर आपको ऐसे डेटा को यूज़ करना है, ठीक है? हो ही नहीं सकता आपका आंसर गलत हो जाए. फर्स्ट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड वेरी नाइस जिन्होंने सही आंसर दिया. मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नए भी हैं जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है. सो इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? इज़ दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? ईजी था ना? हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था एंड चार नंबर का क्वेश्चन था, दैट इज़ द ब्यूटी. वन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब एक क्वेश्चन और हम लेते हैं. ये भी सेक्शन सी का क्वेश्चन है एंड एक ग्राफिकल क्वेश्चन है. अभी मैंने आपको ग्राफिकल एक बात समझाई, ठीक है? और हमेशा मैं बोलती हूँ इकोलॉजी में प्रैक्टिकली कनेक्शन बनाने की सोचो. यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स वाई रिलेशनशिप डज नॉट फॉलो द पैटर्न शोन इन द ग्राफ. ये एक पैटर्न आपको दिया हुआ है, ग्राफिकल पैटर्न है. आपको दिख रहा है कि एक बार चीज़ें बढ़ रही हैं फिर स्टेग्नेंट हो जा रही हैं, है ना? चार बातें आपको बोली हैं, 1, 2, 3, 4. आपको बताना है कि इन चारों बातों में कौन सा ये ग्राफ सेट नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, वो चीज़ बतानी है. शुरू हो जाओ एवरी वन ऑफ यू, एवरीबडी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. हाँ जी, ओके. यस, आई कैन सी सो मेनी स्टूडेंट्स आर लाइव बट ओनली फ्यू आर रिस्पॉन्डिंग. हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा इसका आंसर. यू हैव टू पिक द इनकरेक्ट थिंग, इनकरेक्ट. जी, श्रुति, ओके, निशा, दीपाली, सिया, नम्रता, ब्ला ब्ला, समाप्ति, व्हाट्स योर रियल नेम, ब्ला ब्ला, व्हाट्स योर रियल नेम, ओके अरविंद. चलो जी, ग्रेट. सो मेनी आंसर्स आर देयर. सौम्या वन, ओके, श्रुति वन. देखिए, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर्थ. इनकरेक्ट पूछा उसने. अब मेरी बातें ध्यान से सुनो. मैंने आपको बोला कि कभी भी अगर आपको एक खाली ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, पहले तो आप पैटर्न्स को पहचानना सीखो. आप लोग मैथमेटिक्स आप लोगों ने सबने पढ़ी है, 10th तक तो फोर श्योर सबने पढ़ी होगी, है ना? आपको पता है ये ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ये चीज़ें एक बार पहले बढ़ रही हैं, ठीक है, फिर वो स्टेग्नेंट हो जा रही है. जैसे हम एंजाइम काइनेटिक्स में भी तो पढ़ते हैं ये चीज़ें स्टेग्नेंट हो जाती हैं, सेचुरेशन लेवल आ जाता है. पहले उसमें क्या दे रखा है, नंबर्स ऑफ प्रे किल्ड, वाई एक्सिस पर दे रखा है प्रे किल्ड. प्रे का मतलब समझते हो, शिकार जिसको बोलते हैं, ठीक है? एंड वाई एक्स एक्सिस पर क्या दे रखा है, प्रे की डेंसिटी, यानी कि उनकी डेंसिटी, उनका घनत्व कितना है. अब आप लोग जानते हो स्टार्टिंग में अगर प्रे डेंसिटी, पहले तो ऐसे होगा कि प्रे डेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. मान लो फॉर एग्जांपल मैं हिरण की बात कर रही हूँ, ठीक है, डियर की बात कर रही हूँ, तो उसकी डेंसिटी, उसका नंबर बढ़ता जा रहा है, तो खाने के लिए ज्यादा चीजें हैं, समझ रहे हो, उन पर ही फोकस करेगा. मान लो एक लायन है, ठीक है, शेर है जो कि मांसाहारी है ऑब्वियसली, ठीक है, कार्निवोरस है, वो अलग अलग वेराइटी ऑफ फ्लैश खाता है,
फाइन बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी. प्रैक्टिकली सोच के देखो ना कि उसके पास चॉइसेस होंगी तो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, बट अगर सामने उसको बहुत सारा खाना दिख रहा है तो उसकी पूरी फैमिली उस पर फीड कर लेगी. ठीक है, प्रे की डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ प्रे किल्ड उनका रेट भी बढ़ता जाएगा. नंबर ऑफ प्रे किल्ड मतलब पहले इतने मारे जा रहे थे, फिर इतने मारे जाने लगे, फिर इतने मारे जाने लगे, फिर यहाँ पर यार वैल्यू दे दो, 5, 10, 15 खुद वैल्यू दे दो, क्योंकि उनकी डेंसिटी बढ़ रही है. ठीक है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है रिसोर्सेज की. बट अगेन एक समय आएगा जब चीज़ें स्टेगनेंट हो जाएंगी. ठीक है, स्टेगनेंट हो जाएंगी, एक ऐसा समय आएगा कि प्रे जो किल्ड हो रहे हैं वो स्टेगनेंट हो गए, क्योंकि उनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है बट नंबर ऑफ प्रे किल्ड, क्योंकि जितनी भूख है उतना ही तो खाएगा ना, अगर आज दो खाता है तो कल को भी दो ही खाएगा. फाइन, वो चीज़ जो है वो स्टेगनेंट हो जाएगी. सो ऐसा पैटर्न बिल्कुल हो सकता है, दिस इज पॉसिबल. ठीक है, तो वन एकदम सही आंसर था. अब हम चलते हैं दूसरे पर, फोटोसिंथेसिस रेट वाई. यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस का रेट है. ठीक है, एंड यहाँ पर एक्स में क्या है, लाइट डेंसिटी है. मैंने आपको बोला अगर खाली ग्राफ आपके सामने मिला है तो यार उसको बना लो, उस पर वैल्यूज लिख लो, कुछ भी लिख लो, 10, 20, 30, यहाँ लिख लो 10, 20, 30, कुछ भी लिख लो, आपके लिए इजी हो जाएगी वो चीज़ सॉल्व करनी. तो अब आप एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर जो है निर्भर करता है. ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वाटर का अमाउंट कितना है, एक्स वाई जेड बहुत सारे फैक्टर्स. लेकिन रेट इंक्रीज करेगा जब लाइट डेंसिटी बढ़ती जाएगी एक पॉइंट तक, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं, लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भेज रहे हैं, बट वो मॉलिक्यूल्स तो एक सर्टेन नंबर में प्रेजेंट है ना. लीफ की बात आप कर रहे हो, मेसोफिल सेल्स की बात आप कर रहे हो, उसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए है, बी है, अलग अलग पिगमेंट्स हैं, उसका तो एक एक सर्टेन स्ट्रक्चर है ना. ऐसा थोड़ी कि तुम लाइट देते जाओगे वो लेते जाएंगे, एक लिमिट आएगी. जब सेचुरेशन पॉइंट हो जाएगा, तुम कितनी लाइट डेंसिटी दे लो, तुम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड दे लो, फोटोसिंथेटिक रेट कॉन्स्टेंट हो जाएगा. तो ये बिल्कुल फॉलो हो सकता है. ठीक है, किसने कहा नहीं फॉलो हो सकता, बिल्कुल फॉलो हो सकता है, होता है. प्रैक्टिकली सोच के देखो, फोटोसिंथेसिस आप बहुत बार पढ़ चुके हो. ओके, थर्ड पॉइंट, स्पीशीज रिचनेस. यहाँ पर बात करी जा रही है स्पीशीज की रिचनेस की. ठीक है, कितनी वेराइटी प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर बात की जा रही है एरिया. अब खुद लॉजिकली सोच के देखो, अगर एरिया बड़ा है, ठीक है, एंड वहाँ पर कुछ प्रजातियाँ आ सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर अच्छा खासा स्पेस है तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी, वैरायटी, डाइवर्सिटी, विभिन्नता देखने को मिलेगी. एरिया छोटा है तो वो नहीं देखने को मिलेगी. ठीक है, तो जैसे जैसे एरिया बड़ा बढ़ता जाएगा, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर एरिया बढ़ता जाएगा, रिचनेस भी वहाँ पर पाई जाएगी, बट अगेन एक लिमिट पॉइंट तक. क्योंकि हम जानते हैं केवल स्पेस ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. टेम्परेचर भी है, पीएच भी है, वाटर की सेलिनिटी भी है, और भी मेटल भी प्रेजेंट है सॉइल में, जिसके ऊपर स्पीशीज की रिचनेस, अगर हम प्लांट्स के केस में बात कर रहे हैं, निर्भर करती है, खाली स्पेस नहीं. तो वहाँ पर भी सैचुरेशन लेवल आ जाएगा. ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो रहे थे एक्सेप्ट द फोर्थ वन. फोर्थ वन में यार देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रीज की स्पीशीज की रिचनेस, पेड़ों की जो प्रजातियाँ हैं उनकी रिचनेस यहाँ वाई में दे रखी है, इन रिलेशनशिप टू एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन. दो चीज़ें हम पढ़ते थे, इवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. ठीक है, लॉस होता है वाटर का, ठीक है, जब सनलाइट पड़ती है. तो आप मुझे बताओ, ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है प्लांट का, इससे रिचनेस का क्या लेना देना, एंड ऐसे ग्राफ का क्या लेने देना. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें नॉट चीज सुननी थी, इनकरेक्ट चीज सुननी थी. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? हाँ जी, इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? समझ में आया, समझ में आई आपको बातें? तो देखिए, एक चीज को सॉल्व करने के जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, तरीके होते हैं. ठीक है, आज यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, आई होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा. अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा से ये सेशन सुनना चाहिए तो ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी. ठीक है, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है
उनको भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सेशन. फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो गाइस, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ठीक है? आप लोगों को पता है अनअकैडमी प्लस पर भी मैं लाइव पढ़ाती हूँ, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो नए आए हैं, उनके बारे में मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं. सो अनअकैडमी प्लस पर अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो करेंटली जो है मैं यूनिट 2 दैट इज़ सेल बायोलॉजी, यूनिट नंबर 5 दैट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड यूनिट नंबर 7 शुरू होने वाली है. ये अपकमिंग एंड ऑनगोइंग कोर्सेज हैं. ये दो कोर्सेज नए लॉन्च हुए हैं, ठीक है? क्रैश कोर्स ऑन लाइफ साइंस इन 60 डेज एंड प्रैक्टिस कोर्स ऑन लाइफ साइंस थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज. ये हैं अपने रिवीजन वाले एंड प्रैक्टिस वाले कोर्सेज, ठीक है? लेकिन उससे पहले डिटेल में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. ये दो नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं एंड अभी आगे और भी लॉन्च होने वाले हैं. तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर, जहाँ मैं लाइव सेशंस लेती हूँ. यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपकी सेल बायोलॉजी एंड आपका सेक्शन ए, मैं आप लोगों का प्रिपेयर कराने वाली हूँ, करा रही हूँ प्लस में. एंड मेरे सारे के सारे सेशंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपाइल रहते हैं. तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एडवांटेजेस पता होंगी. स्ट्रक्चर्ड लाइव कोर्सेज होते हैं जो कि टॉप एजुकेटर्स लेते हैं. एवरी 4 सेशन जो होता है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, आपके लाइव डाउट क्लियर किए जाते हैं. हर 7th डेज पर जो है वो क्विज होता है, आपकी रैंक उसमें आप एनालाइज कर सकते हो. आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स दिए जाते हैं. आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आप वीडियो को डाउनलोड करके, बाकी सारा जो है डाउनलोड करके देख सकते हो. देखिए चित्रा, आपका आंसर इस पॉइंट में है. 1 सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस. डियर, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, पूरा का पूरा टिल अप्रैल 1 तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. उसके बाद रिवीजन एंड प्रैक्टिस, क्योंकि मैं ही थोड़ी पढ़ा रही हूँ, और भी तो पढ़ा रहे हैं ना. यहाँ पर मैंने इन यूनिट्स को इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है. अगर आप इन्हीं को ही, यानी कि यहाँ पर देखो 30 से 40 हो गया, ये भी अराउंड 35 कभी 40 इतने मार्क्स की आती है, ये भी अराउंड 25-30 मार्क्स, इन्हीं को आप जोड़ दोगे तो 100-120 नंबर ऐसे ही क्रॉस हो जाएंगे. सो मैंने ज़्यादा मार्क्स गेनिंग यूनिट्स को जो है इस बार पढ़ाना चाहा है, ठीक है? एनिमल फिजियोलॉजी पिछले बैच में काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने इस बैच से इंक्लूड की है. तो एक सब्सक्रिप्शन से आप सबकी क्लास देख सकते हो एंड टोटली आपका पूरा का पूरा जो है कवर होता है. यस, किरण इज अ प्लस स्टूडेंट, प्रियंका इज अ प्लस स्टूडेंट, सबको पता है, ठीक है? आप मेरा नाम एज एन रेफरल कोड यूज कर सकते हो, जो कि सिंपल छोटा सा नाम है नेहा, सो दैट एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए. फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद जब वहाँ पर नेहा तनेजा सर्च करोगे, आपको वहाँ फॉलो का बटन दिखाई देगा. उसके बाद क्लिक करने के बाद मैसेज का बटन आएगा. आप मैसेज का बटन करके मुझे क्वेरी इनबॉक्स कर देना कि मैम हमारी कंडीशन ये है, हम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या सिनेरियो रहेगा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूंगी. फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है? कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगी. सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, दैट्स इट. एंड आपको पता है कैसे एनरोल होना है, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नेहा, सो दैट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए टोटल फीस पर. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, कल भी हमारी क्लास है, ठीक इसी समय 4 बजे. कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कुछ और बातों को हम सीखेंगे, कुछ और क्वेश्चन हम बिल्कुल डेफिनेटली. किरण, दैट बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही, होपफुली ये बात सबको भी समझ में आए, ठीक है? कल कुछ और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ और बातों को सीखेंगे एंड इम्प्रूव करेंगे अपने इसी सब्जेक्ट के साथ. आई होप सो, जैसे आपने आज ज्वाइन किया है वैसे आप लोग कल भी ज्वाइन करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस सेशन. जो बच्चे रिकॉर्डिंग सुनेंगे प्लीज़ खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. बाकी भी बहुत सारे सेशंस मैं ले चुकी हूँ, आप मेरा नाम सर्च करोगे, दैट इज़ नेहा तनेजा, मैंने जितने भी सेशंस लिए हैं आपको सबकी क्लासेस यहाँ पर सबके वीडियोस दिख जाएंगे. सी यू सून एवरीवन इन माई नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ टुमारो. एंड प्लस स्टूडेंट जो यहाँ पर है जी, हाँ जी क्या बताऊँ चित्रा, वो मैंने आपको बताया डियर,
वो डीएल मैंने आपको बताया, एक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको सबकी क्लासेस देखने को मिलेंगी, आपको पूरे की पूरी क्लासेस देखने को मिलेंगी, यानी कि आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर होएगा। वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस। कल का टॉपिक यही है सिया, इकोलॉजी के और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और साथ साथ हम और टॉपिक्स को भी देखेंगे जैसे मैंने आज आपको बताया। ठीक है सिया एंड चित्रा, समझ में आया? पूरा सिलेबस कवर होगा डियर, पूरा का पूरा, उसकी चिंता नहीं कीजिए आप। चलिए तो फिर मिलते हैं अपन लोग जल्दी। थैंक यू सो मच।